को नेपाल को भारत और चीन के बीच डायनामाइट नहीं बनाए। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के घुसकर मारेंगे वाले बयान पर भड़क उठा है तालिबान, जानेंगे तालिबान ने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की गोद में भाग रहे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने ही देश की संसद में तीखे विरोध का सामना कर रहे हैं। चीन की BRI पहल को लागू करने को लेकर प्रचंड संसद में निशाने पर रहे हैं। नेपाली सांसदों ने प्रचंड से कहा है कि वे नेपाल को भारत और चीन के बीच बारूद न बनाए। नेपाल के विपक्षी सांसदों की ये टिप्पणियां चीन के उप विदेश मंत्री सन वेई दोंग के काठमांडू में 3 दिवसीय दौरे के समापन के एक दिन बाद आई। ज्यादातर नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने चीन के BRI प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं और सरकार से BRI रूपरेखा समझौते को सदन में पेश करने और इस पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा है। गुरुवार को सदन में बोलते हुए पूर्व विदेश मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता NP सऊद ने कहा कि सरकार को BRI के क्रियान्वयन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने BRI के तहत चलने वाले परियोजनाओं के लिए कर्ज का विरोध किया। सऊद ने पुष्प कमल दहल के नेतृत्व वाली सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री से भारत और चीन के बीच बारूद न जलाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार आग से खेलने की कोशिश कर रही है। दिवंगत महाराज पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को 2 चट्टानों के बीच यम कहा है। ये यम जीवित और गतिशील था। अब सरकार दोनों देशों के बीच डायनामाइट फिट करने की कोशिश कर रही है। पूर्व नेपाली विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर डायनामाइट फटेगा तो ये चट्टानों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन डायनामाइट खुद भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री चीन को संदेश भेज रहे हैं कि सरकार BRI कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर कर रही है और BRI को अपनी सरकार बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ये संदेश भेज रहे हैं कि हम BRI को रोक रहे हैं। सऊदी इसे अपरिपक्व बताते हुए कहते हैं कि ये कार्ड हमारे पड़ोसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हमारी विश्वसनीयता को कम करेगा। नेपाली कांग्रेस सांसद ने BRI पर राष्ट्रीय दलों की सहमति की मांग करते हुए कहा कि सरकार मुख्य विपक्ष के साथ इन पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। सऊद ने कहा कि अगर हम BRI के लिए ऋण लेने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए अस्वीकार्य होगा। नेपाली कांग्रेस के एक अन्य सांसद राजेंद्र बजगैन ने BRI ढांचे पर दोनों देशों के हस्ताक्षरित समझौते को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। नेपाल और चीन ने मई 2017 में BRI के तहत द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बजगैन ने कहा कि हम नहीं जानते कि BRI क्या है, इसलिए BRI को संसद की चर्चा का विषय होना चाहिए। बजगैन को फिर से कर्ज के जाल में न फंसने की सलाह भी दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने शुक्रवार को एक बार फिर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का निर्यात किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई का अधिकार है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अफगानिस्तान पर शासन करने वाला तालिबान भड़क गया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमले के गंभीर परिणाम होंगे और ऐसा करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा था कि 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में आतंकवाद हमारी धरती पर फैल रहा है, वहाँ आतंकवादियों के छिपे होने के सबूत हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। आसिफ ने कहा कि अगर दोनों देश भाईचारे वाले रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आसिफ के बयान पर तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का अफगानिस्तान की संप्रभुता के संभावित उल्लंघन वाला बयान गैर बुद्धिमत्तापूर्ण और स्थिति को खराब करने वाला है, जिसके किसी को फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी नेतृत्व को संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह के सनसनीखेज बयान देने से बचना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय चेतावनी
चेतावनी देता है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि इस्लामिक अमीरात जोर देकर कहता है कि अफगान जमीन का उपयोग किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होने देगा। आसिफ के बयान की तालिबान ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने भी निंदा की। विपक्षी नेताओं ने रक्षा मंत्री के बयान की निंदा की, साथ ही उसमें माफी की भी मांग की। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयान से तनाव बढ़ने और आतंकवाद की लहर भड़कने की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तालिबान है, तालिबान इसका पलटवार करेगा, ये तो अंदाजा था ही। कल ही हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका को इन्होंने इंटरव्यू देते समय इस बात को कह दिया, ये इतना आसान जमीनी हकीकत में नहीं है जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। और जहां तक बात है इन सब की, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख की बात करें तो जो ये सब कुछ कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। इस प्रतिबंध की वजह बनने जा रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना। सांसद रो खन्ना ने पाकिस्तान के असली शासक जनरल असीम मुनीर के खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग। वहीं एक अन्य अमेरिकी सांसद ग्रेग कसार ने भी जनरल मुनीर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने अमेरिकी नीतियों में संशोधन करने की मांग की है, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान को हथियार मिलने में दिक्कत आ सके। रो खन्ना ने अमेरिका सरकार से मांग की है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख और अन्य सैन्य कमांडरों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दमन के अपराध के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में धांधली की गई थी और इमरान खान अभी भी जेल में है। खन्ना ने असीम मुनीर को पाकिस्तानी सेना के परिवारों को भी निशाना बनाने की बात कही। रो खन्ना ने कहा कि हमें पता है कि इमरान खान जेल में है और हमें तत्काल पाकिस्तानी सेना प्रमुख और उनके मददगारों को प्रतिबंध लगाना चाहिए। आपको बता दें, जनरल मुनीर के राज में इमरान समर्थकों को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई के नेता शहबाज गिल के भाई का अपहरण भी कर लिया गया। जनरल मुनीर के विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ऐसे लोगों के परिवारों को डराया जा रहा है। उधर एक अन्य सांसद ग्रेग कसार ने अमेरिकी नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, ताकि पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहराया जा सके, जो भयंकर भ्रष्टाचार और मानव अधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। ये बदलाव सभी तरह के अमेरिकी सैन्य मदद को तब तक रोक देंगे जब तक कि शर्तों को पाकिस्तानी सेना पूरा नहीं करती। सांसद ग्रेग ने कहा कि हमारी शर्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की धमकी को बंद करना और न्यायपालिका की निष्पक्षता को बहाल करना। पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान का कहना है कि ये बहुत बड़ा कदम है जिससे पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ उठाया जा सकता है, वह भी तब जब इमरान खान जेल में है। इमरान समर्थकों का कहना है कि चुनाव में उन्हें जीत मिली थी, लेकिन सेना प्रमुख के इशारे पर शहबाज शरीफ की सरकार बना दी गई। अब इमरान खान को लंबे समय तक जेल में ही रखने का योजना है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान करे तो करे क्या, एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का यह ऑपरेशन किस हद तक सही होगा या नहीं होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।